हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस और आप देख रहे हैं श्रेयस ने हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिजिसोल का राउटर एक वायरलेस रेंज एक्सटेंडर के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम राउटर को पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद रिसेट करेंगे इसे 10 सेकेंड्स के लिए। पिन से प्रेस करेंगे रिसेट बटन को और इसे रिसेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारे लाइट ऑन होके ऑफ हो जाएंगे तब ये रिसेट होगा। तो अब ये हो रहा है रिसेट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिसेट हो चुका है। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे राउटर के जो पीछे यहाँ पे गेटवे आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.2.1 जो हमें क्रोम में डालने के लिए हेल्प करता है। तो हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हमें वाईफाई कनेक्ट करना है। आपने उसे रिसेट किया था तो रिसेट करने के बाद वो डिजिसोल के नाम से आपको दिखेगा। आपको उसे कनेक्ट करना है और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है आप तो क्रोम या फिर आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर होगा उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो मैंने आईपी एड्रेस दिखाया था या फिर गेटवे वो डालना है 192.168.2.1 और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये लॉगिन पेज दिखाई देगा। लॉगिन पेज पे आपको मैंने पासवर्ड दिखाया था जो कि 1234 था, वो डाल के आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये पेज खुल जाएगा दोस्तों। आपको इसमें वायरलेस में जाना है। वायरलेस में जाने के बाद वायरलेस बेसिक में आपको जो भी आपके वाईफाई राउटर का नाम रखना है वो आप रख सकते हो। दूसरे ऐसे रख रहे हो और चैनल इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। चैनल में आप 1, 7, 11, 12, 13 में से कोई भी रख सकते हो। मैं 7 रखता हूँ। और ये जो सिक्योरिटी ऑप्शन है ये आपको आपके डिजिसोल के राउटर को जो भी पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पासवर्ड नहीं लिखा सकता दोस्तों। और यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सिंपली आपको ब्राउजर एग्जिट करना है, रिफ्रेश कर लेना है और जो भी आपने नाम रखा था वो आपको दिख जाएगा। तो मैंने स्टेटस रखा था, मुझे दिख रहा है दोस्तों। तो अभी ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद नो इंटरनेट दिखाएगा क्योंकि हमने सेटअप नहीं किया अभी। फिर से आपको क्रोम खोलना है, वही आईपी डालना है और एंटर करना है। ये भी सेम प्रोसेस करनी है दोस्तों 1234 और एंटर करना है। और यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। वायरलेस में जाने के बाद वायरलेस रिपीटर में जाना है और यहाँ पे एक टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद आपको साइट सर्वे पे जाना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा दोस्तों, फिर आपके वाईफाई राउटर में जो भी लिख रहे हैं वो ये डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमर चल रहा था, अभी ये खत्म हो गया है। तो यहाँ पे नाम दिख रहे हैं दोस्तों अलग अलग। मैं होम के इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट करना है इसको नेक्स्ट। यहाँ पे आपको आपने जिसके भी राउटर को कनेक्ट किया है उसका पासवर्ड डालना है दोस्तों। पहले मैं पासवर्ड नहीं लिखा सकता और सिंपली अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद अगर आपके घर पे दूसरा वाईफाई राउटर है और उसका आईपी ये है तो आप इसे लास्ट का जो वन है इसे चेंज कर सकते हो। मेरे घर पे नहीं है इसलिए मैं यही रख रहा हूँ और फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हो ये रिबूटिंग प्रोसेस हो रहा है और आपका राउटर ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। ये रिबूट हो रहा है दोस्तों।
और जैसे हमारा टाइमर खत्म हो जाएगा आपको एग्जिट करके आप वाईफाई यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।